हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब, जो अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उसकी कोई मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में बच्चों के साथ जुल्म और मजालिम हो रहे हैं, हज़रत साहब मैं जानता हूँ कि उनके लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इस वक्त इससे पहले जब तुर्किया में अर्थक्वेक आया, वहाँ जाके इन्होंने बड़ा काम किया, और पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन सिंध में रहने वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। आज मैं यहाँ आया था, लैपटॉप हमने तकसीम किए, हज़रत साहब ने सारे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाए, अफजल चामड़िया भाई भी साथ मौजूद हैं, आरिफ लखानी साहब भी मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन के मुस्तहिक है। और मैं बहसियत गवर्नर सिंध हज़रत साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं जिस तरह से भी हो सकेगा इनके लिए, इनके इदारे के लिए रात दिन हाज़िर हूँ। जो मेरे लायक खिदमत होगी मैं ज़रूर आपके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं तो हज़रत साहब के रूहानी और जो मादी इनकी खिदमात हैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। मैं तो इनके साथ एक प्रोग्राम भी कर चुका हूँ और सारे पाकिस्तान में इनकी मुझे, मैं जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं इनके बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में, इनके काम के बारे में। और इनका काम पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, कहीं ये खाना दे रहे हैं, कहीं माली इमदाद दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं। और असल बात यह है कि इनकी जो खलूस नीयत है और इनकी शख्सियत के अंदर जो कशिश है उसकी वजह से ये सारा सिलसिला अरबों रुपये का चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा।